गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रफल, तो तैयार हो जाइए क्षेत्रफल के वीडियो देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सूत्र के साथ। तो सूत्र में हम लोग सबसे पहले बता दें, इसको कहते हैं 2D। 2D का मतलब जी टू डायमेंशनल, ठीक है। डायमेंशनल का हिंदी क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों? बीमाएं, ठीक है। तो यानी हम लोग बीमा का मतलब सबसे पहले पहला जो क्षेत्र होगा वो होगा आयत। प्यारे बच्चों क्या होगा? आयत। और आयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल में कैसा फिगर होता है रेक्टेंगल का? तो ये होता है रेक्टेंगल। ये कहलाता है एल, और ये कहलाता है बी, ये कहलाता है बी, और ये कहलाता है एल। कोई ना बोल रहा है इसे। और ये प्यारे बच्चों ये कहलाता है आपका विकर्ण, यानी हम लोग इसको विकर्ण कहते हैं। और किसी भी आयत में दो विकर्ण होते हैं और ये सारे चतुर्भुज होते हैं। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों फॉर्मूला नंबर 1, सीधे नंबर 1-2 से लिख देते हैं, पूरे लिखेंगे क्या फॉर्मूला होगा 1। तो हमारा होगा आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × (l + b), ठीक है ना। दूसरा नंबर आयत का विकर्ण क्या होता है? √2 × √l² + b। तीसरा नंबर आयत का क्षेत्रफल बहुत नामी है और सब जानता होगा हमको लगता है, नहीं जानता तो ये बता देता है, क्या होता है जी? l × b। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर क्षेत्र हमारा वर्ग होता है ना। वर्ग कैसा होता है? चारों भुजा जिसके अंदर में बराबर बराबर हो जाता है कि नहीं। तो सबसे पहला जो इसमें भी आता है, इसमें भी एक विकर्ण होता है, ये विकर्ण है। तो पहला सूत्र क्या होगा इसके अंदर? चौथा नंबर फॉर्मूला वर्ग का परिमाप क्या होगा प्यारे बच्चों? 4 × a। दूसरा नंबर प्यारे बच्चों वर्ग का विकर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों? √2 × a। और छठा नंबर फॉर्मूला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² और बराबर होता है सीधे विकर्ण स्क्वायर बटे 2। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि विकर्ण दिया जाता है कभी कभी, तो ये भी ध्यान रखना है। हो गया बोलना। तीसरा नंबर पे यहाँ पे आए, तीसरा नंबर हमारा जो है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में प्यारे बच्चों फिगर कैसा होता है? ऐसा। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें समांतर चतुर्भुज का सबसे पहले एक ही चीज याद रखना है, समांतर चतुर्भुज का यानी हमारा हो जाएगा सातवां नंबर का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों? 1/2 a + b और गुना एच, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग इसमें √2 d² / d² अच्छा ये उतना नहीं जानना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जैसे बस सीधे होता आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई सीधे याद रखेंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे, छोड़ो चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। वो सम चतुर्भुज में होता है बाबू, सम चतुर्भुज में कैसा होता है? ऐसा होता है a a a a, और इसके विकर्ण होते हैं d1 और d2, याद रखना है d1 और d2। तो पा रहे हैं यानी हमारा हो जाएगा आठवां नंबर। सबसे पहले हमारा जो भुजा होगा, भुजा यानी हम लोग साइड जिसको बोलते हैं, भुजा a बराबर क्या होता है जी? 1/2, और √ क्या होता है जी? d1² + d2² बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेजी से फटाफट लिखते जाएंगे, तेजी के साथ लिखते जाएंगे बाबू, अभी बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, गर्दा फॉर्मूला है। दूसरा हमारा नंबर लिखे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या होता है जी? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई भी होता है, ठीक है।
साथ ही साथ इसका और फॉर्मूला होता है एक बटे दो पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों ए स्क्वायर साइन थीटा भी होता, दिख रहा है ये वाला नीचे में ए स्क्वायर साइन थीटा। तेजी से उतारोगे 10 मिनट तुम लोग सूत्र में लिखने में लगवा दोगे, जैसे तुम लोग स्पीड कर रहे हो एकदम स्पीड लिखते जाना, हम मिटा दें। हाँ सर, इन्हें की उतारे फटाक उतार ली सोनी, और अच्छा से जितना भी फॉर्मूला लिख करके अच्छा जगह रखो, 10 बार फॉर्मूला एक ही चीज को बताते हैं, बहुत लोग फॉर्मूला याद नहीं रखता है, जैसे बोला राजू की इन लोग से सूत्र पूछा जाए पहले, तो कल से हम लोग पहले सूत्र पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे ठीक। और नहीं बता पाएगा उसको धो देना होगा, तो छड़ी लेके व्यवस्था करके रखना होगा, राजू को तब लेके रखना होगा क्योंकि राजू ही को ही पिटवाना होगा सबको, है कि नहीं। हाँ, जो जो सूत्र नहीं बताएगा उसको धोना होगा, तब धोने वाला काम फिर से स्टार्ट करते हैं, बहुत दिन से स्टार्ट नहीं किया ठीक है। जब तक विद्यार्थी के हड्डी में कहते हैं हड्डी में जब तक चोट नहीं लगेगा तब तक मजबूत नहीं बनेगा, है कि नहीं जी। हड्डी तुम लोग का कमजोरी इसलिए हो गया है क्योंकि चोट उस पर नहीं लग जाता है, तो चोट लगना चाहिए हड्डी पे, हड्डी पे बड़ी जरूरी है एकदम, हड्डिया बहुत कमजोर हो गया है तुम लोग का। तो कल छड़ी लेकर आना राजू ठीक है, बम बम जो 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 याद नहीं करेगा सबको पूछेंगे, धर्मवीर सबसे पूछेंगे ठीक। तो अभी हम लोग वर्ग समचतुर्भुज तक पहुंच गए, समचतुर्भुज के बाद नंबर लिख दिए थे क्या जी, कहां लिखे थे, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर समलंब, नाम सुने हो समलंब, सब सुन लिया, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, तो समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है देखो ठीक है, ऐसा समलंब होता है, उल्टा भी रह सकता है, ये ए और ये बी और यहाँ से ऐसे ऐसे खींचोगे तो क्या आएगा एच, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा सीधे लिख दें, यानी कैवा नंबर होगा ना, दसवां नंबर फॉर्मूला ना जी, दसवां नंबर फॉर्मूला होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा एक बटे दो समांतर भुजा का योग और गुना ऊंचाई। फटाफट फटाफट लिखो, तेजी से लिखो, अभी आ रहा है इंपॉर्टेंट छठा नंबर, वृत्त का नाम सुने हो, वृत्त, वृत्त को क्या कहते हैं अंग्रेजी में सर्किल, इसको क्या कहते हैं ट्रेपेजियम ठीक है, ट्रेपेजियम छूट गया था गलती से, ट्रेपेजियम इसको क्या लिखता है रोम्बस, तो रोम्बस पढ़ते हैं ठीक है, अंग्रेजी लिख लो ठीक है, कभी रोम्बस लिख देगा तो बोलेगा रोम्बस की होता है, हाँ हम ट्रेपेजियम लिखे हुए देखे हैं ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम लिख देगा बोलेगा समलंब होए छे कि समचतुर्भुज होए छे, तो सोचते रहोगे तो नहीं काम हो पाएगा एकदम। जिद्दी बोल रहे हैं, जिद्दी स्टूडेंट ही फिर बोल रहे हैं, जिद्दी बनिएगा तब अच्छा कर पाएगा, वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देख ही नहीं रहे हैं एकदम, नहीं देखेंगे तो मेरा क्या जाएगा, ये लोग तो पढ़ ही लेता है लेकिन आप लोग क्या करेंगे, ये लोग तो ऑफलाइन में इसलिए पढ़ लेता, ये लोग भी हमको लगता अगर वीडियो के द्वारा अगर ये लोग को पढ़ना होता तो ये लोग भी नहीं पढ़ पाता, तो सिंपल सी थ्योरी आप पढ़िए, वीडियो को इस वीडियो का स्पीड दोगुना कर दीजिए, डेढ़ गुना कर दीजिए, उसको फास्ट फास्ट में पढ़िए, इस तरह से पढ़ना होगा ठीक है क्या जी, देखो वीडियो अपना स्पीड, तो तुम लोग वीडियो का शेयर किए थे इंस्टाग्राम पे ठीक है, ये जो बोला था शुरू में उसके बाद बोला हम फर्स्ट बोलेंगे सेकंड बोलेंगे, तो उसका भी वहां तक डाल दिया 2-4-10 सेकंड तक, तो वृत्त में आता, वृत्त कैसा होता है जी, ऐसा यहाँ से आर होता है, तो पहला जो यानी ग्यारहवां नंबर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वृत्त का क्या बनता है जी, वृत्त का परिमाप ना जी, वृत्त का परिमाप या परिधि हमारा क्या होता है 2πr या सीधे हम लोग पाई डी याद रखेंगे, अब डी क्या होता है हम 12वां नंबर लिखते हैं, 12वां नंबर वृत्त का व्यास जिसको डी कहते हैं वो होता है 2r ठीक है। 13वां नंबर फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ठीक है, जल्दी से उतारो, उतार लिए क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 36π लिखेंगे लिखेंगे, टेंशन मत लो उसको भी आएगा, अभी आने वाला है, ये हो गया बाबू भैया हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर तुम लोग काम कर रहे हो, बहुत तेजी से एकदम उतारना है, तो इसका मतलब वृत्त के बाद आता है 7वां नंबर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आता है बाबू, अर्धवृत्त का मतलब होता है सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल का हम लोग फिगर भी देख सकते हैं अगर ऐसा होगा ठीक है, सेमी सर्किल फिगर देखने में अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला नंबर 14 हो गया अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बहुत ही खतरनाक KKI है, इसको याद रखना है क्योंकि होता है 36/7r, याद रख लेना है,
या कभी जरूरत पड़े तो याद रखिएगा पाई आर प्लस टू आर, जैसा जरूरत पड़े, लेकिन यही याद रखना है। पंद्रवा नंबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बटे दो पाई आर स्क्वायर। आठवां नंबर फिगर, आते हैं त्रिभुज में, इसको कहते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज भी अलग अलग है तो हम लिखते जाएंगे, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा सोलहवां नंबर फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट थ्री बाय फोर, बहुत ही ज्यादा नामी है ये वाला, खतरनाक है, रूट थ्री बटे फोर इंटू ए स्क्वायर, भुजा सब बराबर होता है इसमें, ये भी याद रखना है। सत्रहवां नंबर, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई को माध्यिका भी बोलते हैं यहाँ पे, तो याद रखना है रूट थ्री बाई टू इंटू ए। और समबाहु त्रिभुज का एक और चीज इंपॉर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परिमाप बराबर थ्री इंटू ए, तो सब लिखते जाना है थ्री इंटू ए। उम्मीद करते इधर वाला लिखा गया होगा, है कि नहीं? चलिए आगे बड़ी फटाफट लिख दीजिए, एक बार फॉर्मूला जब हो गया तो सवाल सॉल्व करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा हम लोग को, यूं यूं फट 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 कर देंगे। लेकिन सबसे पहला सूत्र आपके दिमाग में, एडवांस में एक ही चीज प्रॉब्लम है, एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो आप बैठा उठा करके आराम से बना सकते हैं, निश्चित रूप से सवाल को बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे अप्लाई करने जानेंगे तो आप सवाल को बना सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आता है फॉर्मूला तो आप बेकार हो, तो इसलिए फॉर्मूला याद करना है। उन्नीसवां नंबर फॉर्मूला अभी और आने वाला है, उन्नीसवां नंबर फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, बहुत इंपॉर्टेंट है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या। परित्रिज्या जानते हैं क्या होता है, बड़का आर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ए और बटे क्या होता है रूट अंडर थ्री। बीसवां नंबर फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या क्या होता है जी, है अंतःत्रिज्या क्या होता है, ए बाय टू रूट अंडर थ्री। इक्कीसवां नंबर, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा भी होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए बराबर होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर टू बाय रूट अंडर थ्री, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, जहां ये पी वन पी टू थ्री क्या है, लंब की लंबाइयां, लंब की लंबाइयां, पी वन पी टू पी थ्री लंब की लंबाइयां है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सूत्र है ये। बाईसवां नंबर, त्रिभुज का सिर्फ क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो एक बटे दो आधार गुने ऊंचाई। तेईसवां नंबर फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो आधार गुने ऊंचाई। हो गया, जल्दी जल्दी काम करते रहो, जल्दी से फटाफट स्पीड में करना है बाबू। हो भी गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़े, वर्क अभिकरण हो गया, इधर हो गया, आयत हो गया, समकोण हो गया, समबाहु हो गया, और कुछ बचा क्या, जल्दी बताओ तुम लोग, तुम लोग बताओ और कुछ बचा, कुछ बचा क्या, जल्दी बताओ। सब बचा है क्या, रूट अंडर एस वाला नहीं, अच्छा एक और बच गया, हीरोन सूत्र तो जाने नहीं सर, जिसकी जानने से नहीं होगा, सबको लिखना होगा ना हमको, वो नहीं बोल रहा जिसकी संभाव है ना, हाँ संभाव या समित भाव सम, हाँ अच्छा उस तरह से थोड़े ना। चौबीस नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल विषमबाहु के लिए होता है, अपने पकड़ में आ जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब क्या होता है जी, अर्ध परिमाण, और अर्ध परिमाण मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे ए बी सी क्या भुजा है, ठीक, ये भी आ गया। पच्चीसवां नंबर तो याद आ गया हमको, फॉर्मूला याद रखना, अंतःत्रिज्या जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्ध परिमाप के अनुपात के बराबर होता है, बहुत ही डेंजरस इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, बहुत ही तुरंत सवाल बन जाएगा। छब्बीसवां नंबर सूत्र जो होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, थीटा बटे पाई आर स्क्वायर। सत्ताईसवां नंबर फॉर्मूला क्या होगा जी, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई क्या होगा, चाप बराबर थीटा बटे
360 गुने 2πr, ठीक है। यहाँ सीधे क्षेत्रफल बराबर दिमाग में ये रखना है, ये क्षेत्रफल है और ये परिमाप है, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। जो दे देगा उसी से बना लेंगे। 28वां नंबर में आओ, एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है जी? 6 डिग्री। 6 डिग्री ये दिमाग में रखना होगा, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, ये भी दिमाग में रखना होगा। और 29वां नंबर यहाँ लिखते हैं सूत्र, 29वां नंबर क्या बोलते हैं, 29वां नंबर जो सूत्र होगा वो होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का मतलब लघु वृत्तखंड समझना है, ठीक है। तो हो जाता है भाई थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर और 1/2 r² साइन थीटा, याद रखना है। और हम लोग का कुछ सूत्र और भी छूटा क्या? और सूत्र छूटा क्या बताओ जल्दी से, ऐसे इस किताब के अनुसार तो नहीं छूटा लेकिन हम अपने से बहुत सारा बता दूं। और होता है साइन थीटा वाले से है? और बोलो दीर्घ वृत्त का मतलब था वृत्त का क्षेत्रफल घटे तुम्हारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फोटो खींच लेते हैं, फोटो पहले बोला नहीं सब खींचता, आप तो सीधे अथी हो गया ना, आप फोटो खींचते क्या फायदा, फोटो तुम्हारा वो स्क्रीनशॉट लेना सीधे मोबाइल में, ठीक है। मोबाइल में हम हट गए थे ना, कभी कभी हटे होंगे ना, उसमें खींच लेते। तो ध्यान ये रखना, कंप्लीट हो गया, बोलो यस। yes, अब हमारा पहला देखते हैं कौन बनाता है, सवाल निकालो फटाफट। पहला सवाल देखो, अब जहां पे जैसे जरूरत होगा वैसे ही हम लोग काम करेंगे। तो पहला हम लोग सवाल देखो फटाफट, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, एकदम सिंपल बोलेंगे क्या, वो तो फटाफट बनाना है, ठीक है। तो एक नंबर हम लोग देखते हैं, किताब तुम लोग के पास होना चाहिए। एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है जी? 3:2। कितना है? 3:2 है। और बोलता चौड़ाई लंबाई से कितना कम है? कितना कम दिख रहा है जी? 1 = 40। तो परिमिति मतलब होता है 2×L+B मध्यमन। अब उस तरह नहीं बनाएंगे, जितना शॉर्ट हम लोग हो सके माइंड कैलकुलेशन करेंगे। कहां से कैलकुलेशन करेंगे जी? माइंड कैलकुलेशन। हम लोग लिखना कम है और सोचना ज्यादा है, और देखते ही आंसर बताना है। तो फटाफट बताओ, 3×2 कितना हो गया? 5। 40×5=200 का दुगना 400। यानी 2×L+B होता है परिमाप, यानी 2×3+2 यानी हो गया 5×2=10 और 40×2 कितना हो गया 400। कोई दिक्कत बताओ, मिनटों का काम सेकेंडो में हमारा हो गया तेजी के साथ, है कि नहीं? आगे बढ़ा, बोलो यस और समझ गए हो कि नहीं? समझ गए हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत है बोलो? बहुत है, जबरदस्त। माइंड कैलकुलेशन करने का जरूरत है, ठीक। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या कह रहा है? एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई से कितना गुना? 4×1/2 गुना है ना? 9/2 गुना है। इसका मतलब ए बाबू ये लंबाइया हो गया, ये चौड़ाइया हो गया। जहां गुना तो ना बोले ना जी, जहां भी इतना गुना बोले ना, सीधे याद रखिए जिसको बोल रहा है ना ऊपरा वाला है, ठीक। अरे बोलो, कोई बोलता नहीं है। एल 9, ये हो गया 9×2। अब क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल दे ये दिया, तो 9×2 कितना हो गया? 18x², चूंकि हम बोले थे गुना वाला में स्क्वायर जाएगा और क्यूब जाएगा, समझे कि नहीं समझे? तो 18x² कितना दे दिया? 200। तो बोलता है ये कितना 9 बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा। एक्स बराबर निकलेगा 10/3। एक्स बराबर 10/3 निकल गया। क्वेश्चन में क्या बोल दिया प्यारे बच्चों? लंबाई, तो 9 निकालना है, तो यहीं पे 9x कर दें। yes, तो 9×10/3 माइंड कैलकुलेशन, माइंड 30। कोई दिक्कत? बताओ, आगे बढ़ो बाबू। 3 नंबर फटाफट एकदम देखते ही देखते आंसर बताना है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत लगता है वो कमेंट करके बताएगा, लेकिन बताएगा नहीं क्योंकि पढ़ता ही नहीं है मेरा वीडियो, देखता ही देखेगा नहीं। तो हमारा क्या है, हम तो प्रयास पूरा लगे हुए हैं कि पूरे भारत में जितने भी बच्चे चाहे गांव से बिलोंग करते हैं वो बच्चे सीख पाए, और जब सीख नहीं पाए तो वो कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्व एकदम आसानी से करेंगे और कम मिनटों में हम लोग ज्यादा सॉल्व करते हैं, है कि नहीं? नो बकवास वल्ली पढ़ाई खास, समझे कि नहीं? नो बकवास, है कि नहीं? तो 3 नंबर पे इसी बात पर चल दिए, देखो सवाल भी बना दिए, सूत्र भी बता दिए कि दिन में। 3रा नंबर सवाल में क्या कह रहा है जी? कि एक दरी का क्षेत्रफल, तो हम उतना नहीं लिखेंगे, ए बाबू भैया उतना नहीं लिखेंगे, सीधा दरी का क्षेत्रफल क्या होता है? एल बी
एल बी कितना 120। परिमिति का मतलब हो गया 2L+B। यहाँ लिख देंगे एक बार एल प्लस सीधे माइंड कैलकुलेशन कितना कितना 46। तो हम सीधे लिखेंगे ये सब खट्टा खट्टा खट कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 15 × 120 तो L का मान 15 और B का मान अगर 8 सोच लेंगे तो आराम से दोनों सेट कर 15 × 28 आप 15 × 28 8 15 17 क्या यस सर। तो अब हम लोगों का कहा क्या रहा है तो हम लोग सारा विकर्ण है तो 15 × 8 का कॉम्बिनेशन क्या होता है 17। यस सर आंसर ठाई। तो इनकी रूट अंडर लिखने शुरू कर दिए विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर 15² + 8² बराबर फिर 15 × 225 प्लस 8² = 64 बराबर रूट अंडर 289 फिर निकालेंगे 17। तो जमाना गया माइंड कैलकुलेशन रखना होगा क्या रखना होगा जी माइंड कैलकुलेशन। हाँ माइंड कैलकुलेशन जितना सूत्र दिए बता देना कल राजू लेके आया छड़ी और बस उसके बाद छड़ी दो दो छड़ी दो 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 घड़ी नौ छड़ी दो समोसा दो पूरी दो पूरी दो पूरी नौ नौ छड़ी हल खराब हो जाएगा बाबू। तो तीन नंबर तक कोई दिक्कत है किसी को परेशानी है जल्दी बता दो। चौथा नंबर बनाओ जल्दी से फटाफट चौथा नंबर देखो बनाने वाला फटाक बना के धर दिया कि नहीं। तो चार नंबर में क्या कह रहा है सर तो एक आयत की लंबाई दे ये दिया कितना एल दे दिया कितना 8 और विकर्ण कितना दे दिया विकर्ण इसको हम लोग एच कहते हैं एच दे दिया हमारा विकर्ण लिखते हैं विकर्ण को डी से लिख देते हैं तो डायग्राम में विकर्ण होता है डी कितना 10। तो हम जानते हैं विकर्ण भी वही समकोण वाला में चलता है तो 8, 6, 8, 10 का कॉम्बिनेशन चलता है ना जी। बी हमारा कितना निकल गया 6। तो कह रहा क्वेश्चन में क्या जल्दी बता दो परिमिति कितना 8, 6 कितना 10, 6 × 2 उसका दुगुना कर दो कितना 28। माइंड कैलकुलेशन बात समझे ये नहीं कि हम लोग को यहाँ पे लंबा चौड़ा सीखना है एकदम हिसाब एकदम वैसा नहीं ठीक है। और आप लोग भी जो अगर कभी देखने का मौका वैसे हमारे वीडियो को ज्यादातर लोग देखते नहीं है लेकिन मैं देखने वाले से यही कहना चाहता हूं अगर आप समझने में अगर कहीं दिक्कत लगता है माइंड कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत लगता है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में ठीक है। तो देखना शुरू कर दीजिए हमारा भी वीडियो बहुत बढ़िया है ऐसे हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं और ये जितने भी बच्चे हैं वो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं सोचिए ऑफलाइन का वीडियो आप लोग को डायरेक्ट ऑनलाइन में मिल रहा है और इसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आपसे ज्यादा बेवकूफ हमको नहीं लगता इस धरती पर है फ्री में मिल रहा है। आप कहीं के हो चाहे देवघर के बच्चे हों चाहे देवघर के बाहर के बच्चे हों कहीं के भी बच्चे हों सीखिए हमसे सीखिए हम सिखाएंगे आपको। और आप नहीं सीख पाते अगर आप सीखे हुए हैं तो आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं उन ऐसे स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूं जो गांव से बिलोंग करते हैं लड़के लड़कियों के लिए जो गांव दूर दराज में रहते हैं उनको ट्यूशन का मतलब क्या बोलते हैं वहां पे स्कोप नहीं है तो अपने वीडियो आप वीडियो को देख सकते हैं विक्रम ट्यूटर फैला दीजिए पूरे भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर क्या बनेगा आप लोग से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम जबरदस्त। तो 5 नंबर में क्या कह दिया ऐसा तो 5 नंबर क्या कह दिया जी विक्रम तो 5 नंबर कह दिया कि एक विकर्ण की लंबाई वृद्धि दे दिया वही डी डी और डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना कितना बोल दीजिए 17। ठीक और क्या दे दिया जी परिमाण दे दिया मतलब वही एल प्लस बी दे दिया हमारा 46/2 यानी 23। क्योंकि अगर हम लोग एक बार सीख लीजिए सीधे बार बार आप लिखने की जरूरत नहीं है 2 × L+B होता ना परिमाप जी तो आप सीधे एल प्लस बी याद रखिएगा ठीक है परिमाप का आधा ठीक बार बार आप लिखेंगे नहीं कि 2 कितना हो गया ठीक ठीक है ना बोलो या सुन लो जैसे हो गया तो कॉम्बिनेशन फिर दिख रहा है 15, 8 और 17 का दिख रहा है। हमको जो क्वेश्चन पूछा सीधे आंसर निकाल देंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जी खेत का क्षेत्रफल तो 15 × 8 कहते हैं आंसर एल बी से मतलब है विकर्ण से ज्यादा इसमें नहीं मतलब है ठीक है जी ठीक है सर। हाँ 7 नंबर बना दो फटाफट तब इसका मतलब जल्दी से बना दो क्या नंबर था 5 6 नंबर बना बहुत बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त फॉर्म में लौट जाओ सब एकदम इतना टक्कर दो। सचिन तो हमारा 2 बार टेस्ट में नहीं आया है कि नहीं दो एक बार पहले भी नहीं आया था एक दिन जब छठ पूजा में कहा गया था कौन सीधे 3 बार 2 बार टेस्ट में नहीं आया ठीक है। तो अगर यही चीज अगर एक मिनट और यही चीज सोचिए सचिन अगर आपसे वो टेस्ट भी अगर नहीं लिया गया रहता तो क्या आप उसमें अथी कितना लॉस होता कि नहीं होता। तो यही चीज के लिए हम लोग टेस्ट का भी पहले लिया जाता है और सिर्फ यही भी नहीं है हम जब सी2 का टेस्ट लेते हैं ना
तो उसमें पता है हमको कितना ग्रॉस लगता है, 100-100 रुपया हर टेस्ट में लग जाता है, 10-2 लाख लगभग गायब हो जाता है। कुछ सीवन में 3-4 को हो गया, लेने के बावजूद भी इतना हो जाता है कभी कभी, हर लोग नहीं ना पाता, रोज रोज हो जाता है, बोल सकते हैं उसी दिन आएगा, तो इस तरह से हो जाता है। इसीलिए इसका बहुत ही फायदा हुआ हम लोग को, ठीक है, यहीं से सुधार किया, बहुत बढ़िया हुआ। तो क्या नंबर 7 नंबर 6 नंबर बन गया तुम लोग से, सबका बन गया, बाबू भैया लोग से बना है, तो क्या बना, परिमिति दे दिया बाबू, क्या दे दिया, यानी एल प्लस बी दे दिया, कितना जी 240, कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग सीधे भी लिखने बोले थे। और उसका लंबा चौड़ा दे दिया 5×3 कितना 8, ये दोनों मिला के दे दिया 8, और 8 का मान कितना 240, माइंड कैलकुलेशन कर सकते थे कि नहीं, 30, तो माइंड कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते थे। तो बोलता है बाबू हमारा मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बाबू हमारा 30 हो गया एक ठो, तो 30×5=150 हो गया कि नहीं, और दूसरा क्या होगा 30×90 हो गया, 15×9=135 ना होता है, 2 0 लगा दो, कोई दिक्कत, कैसे किया था चला ना जी, एल का मान 5 था रे, और बी का मान 3 था, तो ए का मान 30, तो 5×5=150, समझ, हाँ वेरी गुड बम्बा, ये बात हुआ ना, अच्छा निर्मल, हाँ तुम लोग जिस दिन समझना शुरू कर दोगे ना बाबू, उस दिन सबको इतना जो है ना, धर्मवीर, उत्तम, राजू लोग थर 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 इधर इधर, राहुल थर 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 कांपने लगेगा कि कहीं ये लोग ने पैक कर दे देगा जी, कहीं ये लोग ने कर देगा जी, ऐसे डर लगेगा। ये लोग अभी डर नहीं है, ये लोग को डर क्या लगता है जानते हो, धर्मवीर से लगता है, राजू को तो लगता है, उत्तम से अब लगने लगा होगा, राहुल से लगता है, तीन से लगता है, बाकी लोग से नहीं लग रहा है, लेकिन जिस दिन सूर्य सचिन ये लोग भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, अभी लोग को डर लगे कि अभी दुगो और लग गया, किसी से डर नहीं लगता है सर। इस देखो डायलॉग इसका, डर तो होना ही चाहिए, डर नहीं लगता तो बेकार होता, डर लगना ही चाहिए, डर होना चाहिए जिंदगी में, अगर डर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा, डर के आगे जीत है, डर नहीं लगेगा तो नहीं आगे बढ़ पाएगा। चलो आगे 7वां नंबर क्या बोला जी, आयत की लंबाई चौड़ाई से कितना है, दोगुनी है, तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो बढ़िया बात है ना, लंबाई अगर दोगुनी है तो 2x है, चौड़ाई इसका मतलब x है, इसका मतलब विकर्ण क्या हो जाएगा, अंदर अंदर निकाल लीजिए ना, देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर मतलब 4x² अब प्लस x स्क्वायर, तो रूट अंडर हमारा 5×x निकलेगा कि नहीं, अब वही रूट अंडर 5x दे दिया कितना 10√5, बढ़िया एक्स का मान नहीं निकल गया 10, तो बाबू हमारा जो निकालने बोलेगा वो निकाल लेंगे, तो बोलता है आयत का परिमिति है, देखिए यहाँ पे 3x निकालना है, 3x और ए एल प्लस बी हमारा 3x और 2×2 लगता है उसमें, तो कितना हो जाएगा 6x, तो 6x मतलब 6×10 हमारा 60 आंसर निकल गया, कोई दिक्कत है बताओ, अरे एल प्लस बी हमारा 3x आया ना, और 2×2 एल प्लस बी होता है तो दुगना और करना हो 6x, अरे एक्स का मान निकाल लिए थे, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे जा रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लिखना भूल गए थे, वहां को सूत्रवाद था, ठीक है, तो बता देते हैं ऐसे, पहले भी हम लोग आयतन वाला 3D में पढ़ चुके हैं, अगर हमारा वीडियो को रेगुलर अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा 3D में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा होता है 2×L+B और गुना h शायद होता है ना जी, तो इसी बात पर हमारा बना देंगे 8वां नंबर। 8वां नंबर में ऐसा क्या बोला, परिमिति दे दिया जी, तो l प्लस बी कितना हो गया 9, कोई दिक्कत, 18 परिमिति था तो l प्लस बी कितना हो जाएगा 9, कोई दिक्कत। अब उसका ऊंचाई भी दे दिया जी, ऊंचाई कितना दे दिया, एच कितना दे दिया, एच दे दिया 3, तो देखो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट निकालना था जी, 2×L+G है ये कितना था, ये 18 × 3=54, ठीक है, 18×3 कितना हो गया 54, कोई मजा आया है, मतलब कितना आसान लगा कि नहीं, देखते ही आंसर सब लिखल था, खाली बैठा दिए, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी भी बाबू भैया को दिक्कत रहेगा तो बता सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई महत्व नहीं है, बताना है, ठीक है। नंबर नंबर पहुंचो जल्दी से फटाफट, नंबर नंबर ऐसा क्या बोल दिया जो तुम लोग को कुछ लगा होगा, नहीं लगा चलो बता दो फटाफट। तो 9 नंबर में ऐसा क्या बोला जी, बोला क्या, 1 × 14 मीटर और 9 मीटर के फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी, बताओ कितनी लंबी, तो ऑटोमेटिक है दोनों का क्षेत्रफल सेम सेम रहेगा ना जी, तो 14 मीटर है और 9 मीटर है, और उधर बताओ जी 63 सेंटीमीटर है तो मीटर में कर देंगे, और गुना x यही ना, अब कुछ कुछ कटेगा क्या, 9 7 गया
ये सात से दो बार गया, एक्स का मान 200 मीटर हो गया, कोई दिक्कत लगा क्या? है बोलो कहाँ कोई दिक्कत है बताओ। नौ नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर दे, तेजी से करो तेजी से करो तेजी से करो, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, मेहनत कीजिए, नौ नंबर तक कंप्लीट कर दी, और बहुत ही जल्दी इसी रफ्तार से रहा तो कल हम लोग आराम से 15-16 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो 10-10-15 क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे आसानी से, और 8-9 वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल को कंप्लीट कर देंगे। और यही दो ऐसा चैप्टर है, देखो त्रिकोणमिति, तीन ऐसा चैप्टर है जहां पे हम लोग को काफी टाइम लगता है, बाकी किसी भी चैप्टर में 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं लगता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और सोते रहिए कम और जागते रहिए ज्यादा, जिससे होगा फायदा और रिजल्ट होगा आपका जरूर। थैंक यू वेरी मच।